जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फिलहाल विशाखापट्टनम में, लास्ट स्टेशन। आप लोगों ने पहले भी मेरे साथ देखा है, आज ट्रैवल करने वाले हैं हम लोग विशाखापट्टनम से अरक्कू के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इस ट्रेन में 3 विस्टाडोम के कोच लगाए गए हैं। 3-3 विस्टाडोम, समझ जाइए कितनी जल्दी भर्ती होगी ये ट्रेन। और आज की जर्नी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इस जर्नी में बहुत मज़ा आएगा। कुछ झलकियाँ देखिए इस जर्नी की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए देखते हैं इसका इंटीरियर उसके बाद। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी अपनी आज किरांदुल इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसका इंटीरियर देखते हैं कैसा है। कोच में घुसते ही लगे स्पेस मिलेगा, फिर जो सीटिंग प्लेस है वो आप देख सकते हो। इंटीरियर की बात कर रहा था मैं, इतनी भीड़ है ट्रेन में ना कि इंटीरियर छोड़ो वो आपको आराम से दिखाऊंगा, बट गैलरी व्यू कुछ ऐसा होने वाला है। डिपार्चर वगैरह आप यहीं से देखेंगे और नज़ारे खूबसूरत आपको बहुत ही करीब से देखने को मिलेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण आज हमारी ट्रेन को चलने में 20 मिनट्स का डिले हो चुका है विशाखापट्टनम से। आज आप लोग फील ले लीजिए कि गार्ड साहब को कैसा दिखता होगा जब ट्रेन किसी स्टेशन से छूटती है। तो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, दो तरफ से पहाड़ से घिरा है और पिछला हिस्सा तो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। इसी के साथ खूबसूरती से अपने सफर में आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे 3 विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। दोस्तों मैं अपनी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए ट्रेनमैन ऐप को यूज़ करता हूँ, जो इंडिया में सबसे चीपेस्ट टिकट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट IRCTC से भी सस्ती आपको यहाँ पर टिकट मिल जाएंगी। ट्रेनमैन ऐप एक ऑल इन वन ऐप है, जहाँ के जो फीचर्स हैं ना, आपकी ट्रेन जर्नी को बहुत ईजी बनाते हैं। आप अपनी ट्रेन को लाइव ट्रैक कर सकते हैं, चाहे अगर आपका इंटरनेट ऑफ हो तो भी। ट्रेनमैन ऐप में टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे अपना सोर्स स्टेशन डालना है, डेस्टिनेशन डालनी है, ट्रेन्स को सर्च करना है। आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन के फीचर्स भी मिल जाएंगे अगर आपकी ट्रेन में वेटिंग, जैसे यहाँ पे वेटिंग है तो देखिए प्रिडिक्शन पता चल रहा है 95% से ज़्यादा की एक्यूरेसी है ट्रेनमैन की। और यहाँ पे बुक नाउ के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी ट्रेन टिकट को अपनी IRCTC ID को इनपुट करके बुक कर सकते हैं। ट्रेनमैन ऐप में बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं, जैसे कि अपना PNR स्टेटस आप यहीं से चेक कर सकते हो, ट्रेन का रनिंग स्टेटस ऑफलाइन भी चेक कर सकते हो, साथ साथ अगर आप अपने बुक टिकट को कैंसिल करते हो तो उसके बाद आपको रिफंड जो है विद इन 60 सेकेंड्स मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ट्रेनमैन ऐप, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड PAN100 यूज़ करेंगे तो आपको आपके ट्रेनमैन वॉलेट में 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर आपकी टिकट 1000 रुपीज़ की है तो आपको उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। IRCTC से भी सस्ते टिकट बुक करने के लिए ट्रेनमैन ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इन्जॉय करें। वहाँ पर लोको शेड देख सकते हैं, बहुत सारे लोकोमोटिव हैं वहाँ। तिरुपति विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। इस ट्रेन का फायदा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अंदर ही बैठे बैठे इस ग्लास व्यू से सभी चीजें बहुत ही आसानी से और कंफर्टेबली देख सकते हैं। थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी सिम्हाचलम रेलवे स्टेशन, इसके बारे में भी आपको बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अपना अराइवल हो चुका है सिम्हाचलम रेलवे स्टेशन में। एक्चुअली ये इंटरसिटी ट्रेन नहीं है, ये एक पैसेंजर ट्रेन है। मुझे लगा था इंटरसिटी ट्रेन होगी, पर ये पैसेंजर ट्रेन है और इसके स्टॉपेजेस लगभग सभी जगह पे हैं। सिम्हाचलम अपने नरसिम्हा स्वामी जी टेम्पल के लिए बहुत ही मशहूर है, जो विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए इस जगह की जो मान्यता है बढ़ जाती है। और इस रूट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, कई ट्रेनों को यहाँ पर हॉल्ट दिया गया है। फाइनली अपनी ट्रेन यहाँ रुक चुकी है और जैसे ही यहाँ से निकलती है आपको और भी बहुत सारे नज़ारे दिखाना बाकी है अभी।
हम लोग यहाँ पे उतरे हैं अभी कोटावासला जंक्शन में। एक्चुअली हर जगह रुकती तो है पर बहुत ही शॉर्ट हॉल्ट है, इसलिए मैं हर जगह उतर नहीं रहा हूँ। वैसे बता दूँ आप लोगों की जो अपनी विजयनगरम वाली लाइन है ना, वो यहाँ से अलग हो जाती है और हम लोग अरकू वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जल्दी से चला जाए अंदर। अबे भैया जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट किया जल्दी से हमारी मतलब सीट्स को थोड़ा साफ कर दिया जाए। यहाँ पे ट्रेन में ही हम लोगों ने इडली वड़ा ले लिया जो कि विस्टाडोम कोच में अवेलेबल था, 50 रुपीज़ का पड़ा है अपने को। और ये ट्रे आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आ गए अचानक से कोच में, तो भाई यहाँ से कुछ ऐसे खुलता है और ट्रे को आपको ऐसे निकाल के टेबल बना लेना होता है। यहाँ पे अपनी टेबल तैयार है, चलिए अब खाया जाए, देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। भैया कॉफ़ी देना है और ये अपना खाना पीना है, देखते हैं स्वाद कैसा है। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, चटनी और खाना बहुत ही स्वादिष्ट इस ट्रेन का, बिल्कुल रिकमेंडेड है। कॉफ़ी देखते हैं वो कैसी है। रेड वाली चटनी में तो मज़ा ही आ गया जो इडली के साथ मिली है। मूंगफली है क्या, ट्राई करना है क्या बाद में? अच्छा बाद में करते खाने को, अच्छा लगा खाने। संदीप भाई कॉफ़ी कैसी लगी? अच्छी है, चलो मतलब संदीप भाई की तरफ से रिकमेंडेड है और खाना मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ज़रूर खा सकते हो और स्वाद काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से अपनी खूबसूरत अरकू वैली शुरू तो होती है, लेकिन एक बहुत ही अनोखी चीज़ इस ट्रेन के बारे में मुझे पता चली। अगर आप लोग इस ट्रेन के सेकंड सीटिंग में ट्रैवल करते हैं तो आपको मात्र 75 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर आप इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो अरकू तक आपको मात्र 140 रुपीज़ पे करने हैं। लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव क्लास का जो टिकट है वो हमें 750 रुपीज़ का पड़ा है। मतलब इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेकंड सीटिंग के कोच से अगर आपको एग्जीक्यूटिव कोच में ट्रैवल करना है तो लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। और नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि अंदर बैठने का मन तो करेगा ही नहीं। यहाँ पे एक कैश स्लाइडिंग भी बनाई गई है जो कि फ्यूचर में इमरजेंसीज में काम आ सके। दोस्तों ये जो रूट है ना वाकई में बहुत ही कमाल का है, नज़ारे नॉन स्टॉप इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना कि मन ही नहीं कर रहा है कि अंदर जाके बैठें। मेरे लिए तो विस्टाडोम का जो है कोच है ये तो वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा सारा टाइम तो आज दरवाजे में ही कटने वाला है। नया रूट है और बहुत ही खूबसूरत है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टाग्राम में इतना प्यार देने के लिए, वहाँ भी हम लोगों ने 100K यानी 1,00,000 फॉलोअर्स की फैमिली को पूरा कर लिया है। और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप लोग इंस्टाग्राम में द ट्रेन गुरु मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं बहुत सारे जर्नी अपडेट्स और खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
दोस्तों ट्रेन के गैलरी व्यू से कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जिसे देखने के लिए पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बड़ी मुश्किल से कुछ ऐसे शॉट्स आप लोग के लिए ले पाया हूँ, वरना भीड़ जितनी कोच की थी सारे के सारे गैलरी व्यू को एंजॉय करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे एक टेबल होता है जिस पे आपको नहीं बैठना है, वो केवल आपके खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से मौसम कैसे बदल गया, पर असली बात यह है कि जब मैं इस ट्रेन से अपनी वापसी की जर्नी कर रहा था तो शाम में बहुत ही खूबसूरत मौसम था और बारिश बहुत खूबसूरती से हो रही थी। तो कुछ शाम के नज़ारे मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी वीडियो में दिखा दूँ, क्योंकि ये रूट सच में बहुत ही खूबसूरत है और वापस आते आते छोटे छोटे झरने भी खुल चुके थे। तो ये कुछ नज़ारे शाम के हैं, वापस से थोड़ी देर में चलेंगे, हमारी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। फैमिली के साथ अगर आपको वीकेंड में टाइम स्पेंड करना है तो अरकू वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसे आप एपी टूरिज्म की वेबसाइट से यहाँ पे आप रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। काफ़ी कमाल की जगह है, रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए अगर आप फैमिली के साथ घूमने आना चाहते हैं। बाई रोड आपको लगभग 3 आवर्स लगेंगे और बाई ट्रेन आपको लगभग 4 आवर्स लगेंगे, लेकिन दोनों में ही नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इतनी सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी हुई है कि यहाँ के नज़ारे आपको मूवीज़ में भी देखने को मिलेंगे। आप लोगों के लिए इसे मैंने अपनी मॉनसून सीरीज़ का हिस्सा बनाया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको और बेहतरीन मौसम में आना है तो आपको सितंबर से दिसंबर के बीच में अरकू वैली को चुनना चाहिए, क्योंकि तब नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। लगा बोरा केव्स वाला स्टेशन आ गया, पर वो नहीं है, ये है चिमिडी पल्ली। लोकेशन बहुत ही गजब है, पहली बार इस रूट में आ रहा हूँ, इसलिए नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है, रूट का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदाजे से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और लगभग 25-28 टनल्स हम लोगों ने अब तक पार कर ली होंगी और लगातार ट्रेन घाट सेक्शन में चल रही है, मतलब इतना नॉन स्टॉप ये सब रन है ना कि मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। बाकी ओवरऑल व्यू देखिए आप लोग कितना कमाल का है यहाँ का। ट्रेन में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, जैसे आपको स्नैक्स और सभी चीज़ें ऑन बोर्ड मिल जाएंगी, इसका टनल लगेज और लाइट सारा। और टनल के अंदर कुछ ऐसा हाल होता है, देखो हमारे संदीप भाई टॉर्च जला के आ रहे हैं अपनी सीट ढूंढते हुए, शक्ल भी दिखाई दो यार, पता चल जाए कौन हॉरर मूवी। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं बोरा गुहालू, ये जो जगह है अपने बोरा केव्स के लिए फेमस है। बोरा का मतलब होता है एब्डोमेन, गुहालू का मतलब होता है केव्स, इसीलिए जगह को जाना जाता है। कई लोग यहाँ भी उतरते हैं जिनको केव्स के लिए जाना जाता है। इंडिया की लॉन्गेस्ट केव्स हैं, अगर आप लोग के लिए कभी एग्ज़ाम्स में सवाल आए तो आप आँखें बंद करके मार कर सकते हो, आंध्र प्रदेश में आने वाली ये केव्स हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं अब अपने आखिरी हॉल्ट यानी अरक्कू की ओर, जहाँ पे विस्टाडोम के जो कोचेज़ हैं ये निकाल दिए जाएंगे ट्रेन से और ट्रेन बढ़ जाएगी आगे किरांदुल की ओर पैसेंजर ट्रेन बन के, और बाकी हम लोग वहाँ से रिटर्न ट्रेन जो भी होगा देखेंगे। और यहाँ से अरक्कू का भी रास्ता है वो भी काफ़ी सुंदर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। वो घूमने के लिए आते हैं।
सलासा रेलवे स्टेशन में है, क्योंकि भाई सिंगल लाइन रूट है। यहाँ पर देखिए ट्रिपल वैगनाइन लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं, तीन तीन लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन को खींचने के लिए, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई थी। जल्दी हम लोग बढ़ेंगे अभी। रूट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ऐसे ही इतनी खड़ी चढ़ाई है कि गुड्स ट्रेन में तो तीन तीन इंजन लगाने पड़ रहे हैं। देखिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अरक्कू रेलवे स्टेशन। चलते हैं बाहर, क्योंकि ये कोच यहाँ पे अलग कर दिए जाएंगे। लगभग एक घंटे की डिले के साथ 11:20 पर हम लोग पहुँचे अरक्कू, और अपनी ये जो जर्नी है यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस जर्नी में मज़ा आएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टाग्राम @thetraingurus। वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स और रील्स वगैरह इन जर्नी से रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ। ट्रेन के जो विस्टाडोम कोचेज हैं उन्हें अलग कर दिया गया है, क्योंकि विस्टाडोम कोचेज यहीं रहेंगे, जो रिटर्न वाली गाड़ी उसमें लगा करके उन्हें भेजा जाएगा। तो अब हो गया गार्ड वाला कोच जो है वो हो गया लास्ट कोच। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी ट्रेन मैन ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। लिटरली मैं भी उसी ऐप को यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेन को ट्रैक करने के लिए, और टिकट बुक करने से पहले प्रेडिक्शन चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे इससे 95% से ज़्यादा की एक्यूरेसी मिलती है। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ एक नई मॉनसून जर्नी में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।